और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल है। सबने, किसी ने केमिस्ट्री, किसी ने मैथमेटिक्स बोला। जी बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, ना तो ये केमिस्ट्री का जो है सब्जेक्ट है, ना ये आपका मैथमेटिक्स जी का है। पॉलिटिक्स एक जीवंत मुद्दा है जिसमें ह्यूमन बीइंग और इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। जी तो ये बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का मुद्दा है जिसमें फिजिक्स भी लगेगा, केमिस्ट्री भी लगेगा, सोशल साइंस भी लगेगा, साइकोलॉजी भी लगेगी। जी और बीजेपी इसमें बड़ी माहिर है। बीजेपी के लगातार जीत का मतलब यह है, जो मैंने शुरू में बोला, कि विपक्ष 7 सालों में अभी भी अपने राइवल को, अपने प्रतिद्वंदी को समझ नहीं पाई है। ये केवल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एस्टेट, जो निर्जीव साइंस है, उसमें उलझे पड़े हुए हैं। और बीजेपी चूंकि जानती है ये ह्यूमन बीइंग का मुद्दा है पॉलिटिक्स, तो बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग, जीनोम लेवल पर जाकर के अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, इसलिए वो जीत जाती है। ये बहुत माइक्रो लेवल का डिफरेंस है और पहली बार किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है। जी केमिस्ट्री राजनीति में जब हम कहते हैं राजनीति का रसायन शास्त्र, तो वो जीवंत हो जाता है। रसायन शास्त्र किसका? समाज का, ठीक है ना? इसलिए वो जीवंत हो जाता है, वो परखनली वाला रसायन नहीं रहता, वो जनता परखनली है, तो स्वाभाविक है सब जीवंत है उसमें। अमिताभ जी, यही चीज समझने की जरूरत है जो मैं विपक्ष के लिए बोलता हूं। जी वो ये है कि जब आप एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं तो आपका पॉलिटिकल गोल या एरिना बहुत लिमिटेड हो जाता है। आप मोदी के पीछे या इंदिरा के पीछे भागेंगे तो आप न विकास की बात कर पाएंगे, न जनता के मुद्दों की बात कर पाएंगे। हर रैली में केवल एक ही नाम लेंगे, 2 शब्द का मोदी मोदी या 3 शब्द का इंदिरा इंदिरा। तो आप अपना मैसेज पहुंचा नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है विपक्ष की पार्टियों का, और ये इनको समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में कभी भी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत होने पे आप अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, संकीर्ण कर लेते हैं। ब्रॉडर लेवल का जो आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए, समाजवाद अपने आप में बहुत बड़ा जो है आइडियोलॉजी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि समाजवाद का मतलब इन्होंने केवल मोदी बना दिया है। कांग्रेस की अपनी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी और इतिहास है, लेकिन आज के डेट में कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? एंटी मोदी है। तो इस चीज को समझना चाहिए। मैं बोलता हूं कि व्यक्तिगत कभी भी नहीं होना चाहिए, आप अपना ही नुकसान करेंगे। सर्व समाज की, पूरे भारतवर्ष की आप बात करिए, न कि एक आदमी की बात करिए। जी ठीक बात। मैं तीनों राजनीतिक पार्टियों के अपने मित्रों को धन्यवाद कहूंगा, प्रशांत उमराव को, फखरुल हसन साहब को और विकास जी को। एके मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे। मिश्रा जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में जब चुनाव होगा, तो उसमें पंजाब में जो घटना घटी थी और जिस ढंग से उस घटना का एक चित्रण बीजेपी ने किया देश भर में, आपको लगता है कि वो एक बड़ा मुद्दा खुद अपने में अकेले वो घटना होगी? बाकी सब मुद्दे एक तरफ, वो घटना एक तरफ, और बीजेपी उसको आखिरी वोट तक जिंदा रखना चाहेगी? जी, पंजाब में जो घटना घटी और बीजेपी ने जो उसको चित्रण किया, चित्रित किया, जी, यहाँ पे इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब बीजेपी के लिए कोई अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जी, उसके पीछे कारण है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की जड़ें बड़ी कमजोर हैं, उसके नेचुरल रीजन है, साउथ इंडिया हो गया, बंगाल हो गया और इंक्लूडिंग पंजाब। लेकिन बीजेपी बड़ी माहिर पार्टी है अमिताभ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दा पंजाब का है, इन केस वो उसको यूपी में करेंगे। जी, आप इसको देखिए, उसका प्रभाव यूपी में पड़ेगा। मुद्दा यूपी का होगा वो इनकैश करेंगे बंगाल में, मुद्दा बंगाल का होगा तो उसको वो 2024 में करेंगे। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। विपक्षी पार्टियों को जो सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए, उतने माइक्रो लेवल पे। देखिए, आपने एक बड़ा उम्दा सवाल पूछा था कि इंदिरा गांधी या मोदी के खिलाफ फर्क क्या है। इस चीज को अमिताभ जी समझिएगा, आप विद्वान पत्रकार है। राम के खिलाफ पूरी दुनिया थी, महाभारत में कृष्ण के खिलाफ पूरी दुनिया थी, सिद्धांतों के खिलाफ या फेवर में कोई नहीं था। और स्वयं कृष्ण न अर्जुन के फेवर में थे, न दुर्योधन के खिलाफ थे, वो या तो सिद्धांत के फेवर में थे या सिद्धांत के खिलाफ थे। इस चीज को ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ये केवल या तो व्यक्ति के फेवर में है या व्यक्ति के खिलाफ में है। होना ये चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को कि सिद्धांतों के खिलाफ आप या तो रहिए या सिद्धांतों के फेवर में रहिए। सिद्धांत यानी वो मुद्दे, मुद्दे तो इन लोगों ने मोदी या इंदिरा के विरोध में गायब कर दिया। तो बीजेपी
बीजेपी कहीं पे भी काम करे, मैं आपको एक चीज और एश्योर करता हूं, अफगानिस्तान में अगर टीके भेजे हैं या अमेरिका में कोई चीज भारतीयों ने किया तो उसका भी फायदा बीजेपी लेती है। बीजेपी एक इतनी माहिर खिलाड़ी बन गई है, 5000 साल पहले जो घटना हुई थी उसका भी फायदा आज के चुनाव में लेती है, उदाहरण राम मंदिर। तो भाई मिश्रा जी, ये बाकी दलों को रामायण महाभारत पढ़ने से किसी ने रोका है क्या? ये लोग भी पढ़े, इनको ये लोग क्यों नहीं पढ़ते? नहीं नहीं रोका नहीं है, उसके पीछे कारण है कि उनके जो सलाहकार हैं या गुरु हैं वो अग्निहोत्री या एके मिश्रा जैसे नहीं है, सबसे बड़ी कमी यही है। जिस दिन वो कांटेक्ट कर लेंगे उनको भी हो जाएगा। नहीं, बड़ी बात है जो बात एके मिश्रा जी ने कही, उसमें एक बड़ी वो है,